जिंदा है। इस घर पे वो अकेला है क्योंकि उसका बीवी बच्चे उसको छोड़ के चला गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक खतरनाक एक खूंखार वाला बंदा बन चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो पेंटिंग है ना, ये मिस्टर मीट का वाइफ यानी कि फैमिली का पेंटिंग है, साथ में जो उसका वाइफ उसका बच्चे और वो भी इस पेंटिंग में है। तो हमें इस मिस्टर मीट के घर पे टूर करने वाले, दिखाने वाले आप लोगों को क्या 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 चीज़ें हैं, और साथ में मिस्टर मीट और गाइस इधर उधर घूम रहा है तो हमें उससे भी बचना है। वैसे तो वो हमें कुछ नहीं करेगा, पहले मिस्टर मीट बहुत अच्छा बन रहा था, अब जाके भाई वो खूंखार बन चुकी है। और ये रहा गाइस मिस्टर मीट का एक कमरा जहाँ पे वो ऑपरेशन वगैरह करता था, और यहाँ पे देख सकते हो इसका तो वॉल वाल भाई टूटी फूटी है। बट एक सेकेंड, ये तो हम नीचे आ चुके हैं इसका बेसमेंट में। ये भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो यार, यहाँ पे तो मीट पीट कटा के रखा हुआ है मिस्टर मीट, पता नहीं यार किसको बेच रहा होगा अभी तक। और ये रहा गाइस मिस्टर मीट का टप जहाँ पे मिस्टर मीट अभी, यहाँ पे तो खून ही खून लगा हुआ है, लगता है मिस्टर मीट का भाई मानसिक संतुलन एकदम बिगड़ चुकी है, इसके वजह से वो खूंखार बंदा बन चुकी है, ठीक है ना। तो चले चलते हैं और भी कुछ दिखाते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर भी एक वॉल टूटी हुई है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे तो एक पुरानी कार भी है और साथ में कुछ मीट लटका के रखा हुआ है, थर्मीट का पुरानी कार एम्बेसडर। यहाँ पे देख सकती हो ये कौन सी मशीन है, ऐसा लग रहा है भाई ये कुछ ना कुछ मशीन है, बट हमें ना इसको उठा नहीं पा रहा हूँ मैं। एक सेकंड एक बार ट्राई करता हूँ, देखो गाइस उठा नहीं पा रहा हूँ मैं, पता नहीं ये कौन सा मशीन है, यहाँ पे देख सकती हो। तो चलो आप नेक्स्ट कमरे में जाते हैं, और क्योंकि अभी यार ये मिस्टर मीट इधर ही है, वैसे तो हम ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि इस घर में वो अकेला है। चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ मिस्टर मीट का शक्ल, इसका शक्ल तो बहुत डरावनी है यार। ओ भाई साहब देखो गाइस मिस्टर मीट तो भाई खत्म, अब इंसान नहीं, ये एक ज़ॉम्बी की तरह हो चुकी है, अपनी फैमिली बच्चे को सबको भाई त्याग कर दिया ये लोगों ने, क्योंकि मिस्टर मीट अभी अकेला ही है। तो चलो ऊपर के कमरे में जाते हैं और वहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें जो मिस्टर मीट ने छुपा के रखा है। भाई ये कैसा पेंटिंग है, ना आगे ना पैर है, जो कि कुछ अजीब तरह की पेंटिंग है, इस तरह की पेंटिंग मैंने कभी नहीं देखी यार, भाई बहुत ही खतरनाक पेंटिंग था भाई वो। तो चलो दूसरे कमरे पे जाते हैं, यहाँ पर एक कमरा है, नहीं दो दो कमरा है, पहले इस कमरे को। अबे लगता है यहाँ पे मिस्टर मीट सोता है जब वो ऑपरेशन वगैरह करके आता है, तो यहाँ पे मिस्टर मीट सो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ छोटा सा कमरा है, अच्छा यहाँ पर भी भाई आप लोग देख सकते हो मीट को इस तरह से लटका के रखा हुआ है बहुत ही खतरनाक तरीके से। ओ भाई साहब, और इस कमरे में हम तो यहाँ पे चले गए, हाँ यहाँ पे, अच्छा ये टॉयलेट है, और यहाँ पे देख सकते हो टॉयलेट, यहाँ पर भी शीशे के अंदर भी खून लगा हुआ है, यानी कि बहुत बुरी तरीके से मिस्टर मीट इसको कई सालों से इसको बंद कर दिया, नहीं बंद तो नहीं किया मिस्टर मीट, एक सेकेंड। ओ भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो किसी का पैर लटका के रखा हुआ है भाई, एक सेकेंड यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना बंदा है इधर, उसे उसका आधा शक्ल तो नहीं है बस इसका पैर, अबे तीन तीन बंदे का पैर लटका के रखा हुआ है, पता नहीं किस किस बंदे का होगा ये पैर। और ये ऐसा क्यों लटका के रखा है ये मिस्टर मीट, कुछ ना कुछ कारण तो होगा इसलिए मिस्टर मीट को यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं ना क्या करूँगा, ऊपर जाके, नहीं ऊपर तो हम नहीं जा सकते हैं, बाहर निकल के देख सकते हैं क्या उसका जो चेहरा वगैरह हो सकता है, उसका हम देख सकते हैं, उसका पूरा बॉडी देख सकते हैं। चलो बाहर जाके देखते हैं, क्योंकि उसका जो पूरा बॉडी हम उसको देख सकते हैं क्या। हाँ इस कमरे में तो मैं आ चुका हूँ, अब मुझे नीचे जाना होगा और वहाँ पे देखना होगा कि वो मिस्टर मीट किस किस बंदे को लटका के रखा हुआ है। चलो बाहर चलते हैं भाई, बे ये मैं अटक चुका हूँ थोड़ा सा, यस। तो गाइस अभी देख सकती हो, अबे इधर से तो भाई नहीं देख सकते हम, नेक्स्ट वीडियो में हम उस बंदे लोगों को देखने की कोशिश करेंगे। या फिर देख सकते हो मिस्टर मीट के घर पे छत पे उठकर, और मिस्टर मीट भी आ चुके हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म।